न्यू अमृतसर के पास बनी बाबा बुड्ढा सिंह एवेन्यू में मकान मालिक ने अपने किराएदारों पर हमला कर मकान खाली करवाने की कोशिश की। वहीं घर में मौजूद बलजीत कौर व उसकी बहन हरप्रीत कौर पर भी जानलेवा हमला किया गया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि वे उक्त मामले की जांच कर रहे हैं व मामला दर्ज कर बनती कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं आंटी, आए थी जेड़े मकान मालिक का गुरमीत कौर, वो आए थे इस तरह बाहर, मतलब अं दोनों भैन सी घरे, तो मैं गई महंगी दरवाजा खोलन तो छोटी रसोई च ही, तो मैं हाँ जी आंटी दसो, तो मैं मम्मी तो है नहीं करे, मैं गेट नहीं खोलिया, मैं मम्मी है नहीं करे, तो कहती गेट तो खोल तेरी मम्मी की वेट कर लें असं। चलो मैं दरवाजा जिस तरह खोलिया, बाद पहला खुद आंटी आप आए, उन्होंने दरवाजा एकदम सारा खोल दिता है। बाद दरवाजा खोलन के बावजूद पहला सरदार सरदार ही बंदे आए, बाद च एकदम ही हेड़ा मुंडे मुंडे आ गए मोटरसाइकिलों पर, तो मैं आंटी है कि करतूत तो ही मेरी मम्मी तो है नहीं, तुम आ लो मम्मी मेरे जो भी गल मम्मी नाल कर लियो। मैं आंटी चलो वेट कर लो, फिर वो मुंडे आए जेडे गुंडे गुंडे जिन्हें कृपाना फड़ी हाथ च दातर फड़े, तो मैं वीर जी दो मिनट मेरी मम्मी आ लें तो वेट कर लो, तो केंद्र पर समान हम क्ढन दे आंदा सर मेरे हाथी पै गया, एक मुंडा सावरे ज रंग का है आंदा सर वो मेरे हाथी पै गया, मैं भज के मतलब बाहर चल गई। बाहर जाके मैं छोटी नूं कहा, मैं मनु मैं ना पुलिस नूं बुला के लेके आई हाँ कि पुलिस बाहर आ गई, फोन तो फोन मैं करन दी, पहले 100 नंबर पर फोन लाया नहीं लगा, फिर 181 नंबर पर फोन फुफड़ जी होना तो करवाया मैं अपने फुफड़ जी होना तो उन्होंने फोन किया, फिर मेरे फोन पर फोन आया, फिर मैं गल की उन्होंने कि सर इदा का करके मेरी कोई हैल्प नहीं कोई करता पाया, मेरा फोन भी नहीं कितने लगता पाया, तो फिर बाहर जिस तरह मेन रोड पर मैं जाके पुलिस वाले लेके आई हाँ, इतने आए जो मैं आई हाँ उदों तक वेख्या तो सारे भज गए। बाबा बुड्ढा जी एवन्यू एक बीबी गुरमीत कौर आ, बीबी गुरमीत कौर उन्होंने मकान है, तो दूसरी पार्टी दर्शन कौर है बीबी, उन्होंने किराए पर लिया, उन्होंने आपस में चल रहा, वो जी पार्टी गुरमीत कौर पार्टी मालक मान उन्होंने खाली करने कह रही है, दर्शन कौर जी खाली नहीं कर रही, उन्होंने आपस में ये चल रहा तकरार, वो अं जांच कर रहे हैं, जो भी जांच करने तो बाद असलियत सामने आएगी उस तरह की आप कार्रवाई करेंगे, उ तस्दीक कर रहे हैं, उन्होंने तस्दीक करके जिहड़ी भी गल सामने आई उस हिसाब की आप कानूनी कार्रवाई करेंगे।